हेलो स्टूडेंट्स। तो यार टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर अपन फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं। इतने साल जितनी बार देखा गया सारी की सारी कंटेस्टेंट्स जो है राजस्थान के पास थी। अब अभी तक इसका कोई भी लॉट में रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन अपन बात करते हैं कि इसका यार एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। जैसा कि बताया गया कि इसका फर्स्ट अलॉटमेंट जो है 13 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, लेकिन आज एटलीस्ट 11 नवंबर हो चुके हैं, 2 दिन बचे हुए हैं। तो जस्ट बच्चों को पता रहना चाहिए कि कितना अलॉटमेंट इसका जो कट ऑफ है रहने वाला है। बीते जितने भी साल गुजरे हैं उसके अंदर इसका क्या पोजीशन रहा है, क्या एनटीए का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज का जस्ट देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, क्या सीन है। तो स्टूडेंट आपने जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखी है, किसी का 270, किसी का 280, किसी का 300 भी रहा है कट ऑफ। लेकिन जो अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जो रहने वाला है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ही रहने वाला है। सबसे ज्यादा अगर अपन अच्छे कोर्सेज की इसकी अपन बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे मैं मानता हूँ ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, देन उसके बाद में एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथमेटिक्स है। इसका ये जो कोर्सेज है टॉप कोर्सेज माना जाता है, और इसका जो टॉप जो इस कट ऑफ अगर अपन बात करें तो आप मान सकते हो 280, 270, 265 तक जाएगा। ओके, और ओवरऑल यार लास्ट में एंड मोमेंट तक स्पोर्ट राउंड पे एडमिशन कितने तक मिल सकता है, तो यार आप मान सकते हो कि 250 से कम तो नहीं बोल सकते, ठीक है 230 मान लो, 230 से कम तो अपन नहीं मान सकते, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में हो रहा है या फिर हरियाणा में हो रहा है, तो और अगर राजस्थान में भी हो रहा है, तो 99% 100% गारंटी है कि वो बच्चे राजस्थान में ही लेंगे, चाहे उसका पंजाब में फीस कम ले या ज्यादा ले, ठीक है। इतना मतलब हाई ज्यादा क्राइसिस है। और अगर वैसे अपन बात करें तो राजस्थान एजुकेशन हब है वैसे, ठीक है। राजस्थान का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, बहुत क्या बहुत बहुत ही अच्छा है, चाहे वो सीकर हो, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो कोटा हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, ठीक है। तो आप मान सकते हो यार राजस्थान की पोजिशन बहुत ठीक है, ठीक है। जैसे जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री, तो 283 मार्क्स इस बंदे के हैं। ओके स्टूडेंट राकेश कुमार सिंह, तो 283 पे ही आप देख सकते हो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री चल रहा है अभी। ओके, तो यार मतलब पोजीशन बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। तो जिन बच्चों के मतलब लो मार्क्स हैं तो उनको तो मतलब अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये तो बर्बाद करने जैसा ही है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है यहाँ पे, टोटली यूजी कोर्सेज की अपन बात करें, ये 171 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 171 पे 5200, माई गॉड, 5032 बच्चों ने अप्लाई किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन के लिए। ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा है एमएससी स्टेटिक्स, ठीक है। तो यार इतने बच्चों ने अप्लाई किया तो मतलब यह तो पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों का हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी के 100 मार्क्स भी है, 100 से कम भी है, 95 भी है, देखिए इसके 10 मार्क्स भी है, जनरल कैटेगरी में है, ठीक है। तो मतलब ये तो एक्चुअल में पागल ही लड़का, क्योंकि इसको जस्ट मतलब अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था। इसको पता है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, 200+ कट ऑफ रहेगा, 10 मार्क्स आए, मतलब 1000 रुपये ऐसे मतलब पागल ही है वैसे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। वैसे कंपटीशन तो क्या मतलब 10 मार्क्स से क्या कंपटीशन बढ़ेगा, अगर एससी कैटेगरी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है तब तो चलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी 10 मार्क्स से मतलब अनबिलीवेबल। ओके, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथमेटिक्स है, और यही सारा आप देख सकते हो पीजी के अंदर भी यही कंडीशन है, ठीक है। पहले अपन ने एमएससी इंटीग्रेटेड कंडीशन देखा था, अब देखते हैं पीजी के अंदर क्या पोजिशन है। तो यार सेम टू सेम पोजिशन पीजी के अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जो जाने वाला है ना वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ही रहने वाला है, ठीक है। राजस्थान के बाद सेकेंड नंबर पे देते हैं पंजाब की पोजीशन, देन हरियाणा, देन उसके बाद बाकी जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं। लेकिन राजस्थान की
और सबसे अच्छी खूबी ये भी है कि जिन बच्चों ने हरियाणा वगैरह में एडमिशन ले लिया अच्छे मार्क्स से, तो उनकी सीट्स भी वैकेंट रहेगी, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, और जिन बच्चों को जैसे हमारी पेड काउंसलिंग प्लान लेना है तो वो ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपको एडमिशन मिलता है तभी हम मतलब चार्ज आपका एक्सेप्ट किया जाता है, पैसे आपको पहले देने होते हैं। अगर आपका एडमिशन हम नहीं करा पाते हैं तभी आपको पैसा रिफंड किया जाता है पूरा, अगर एडमिशन करा दिया जाता है तब जस्ट हमारा पैसा रख लेते हैं, अगर नहीं होता है तो जस्ट वापस रिफंड कर देते हैं, लेकिन 100% हम ट्राई करते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, चाहे वो ओपन काउंसलिंग हो, स्पॉट एडमिशन हो, या फिर अलॉटमेंट फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। तो जिन बच्चों को मतलब यार जैसे वैसे मार्क्स देख रहे हो और मतलब वैसे मार्क्स नहीं है आपके, नॉर्मल मार्क्स है, कम मार्क्स है, तो वो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर बहुत अच्छे मार्क्स है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि कट ऑफ तो आप देख सकते हो क्या पोजिशन चल रही है, ठीक है, तो अगर 1 साल बचाना हो तो जैसे हमारी पेड काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, जिसके अंदर कोई स्पेशली सीट का रेट नहीं की जाती, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हो कि ये तो स्कैम चल रहा है, हमको पैसे लेके सीट दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जैसे भी काउंसलिंग होती है वैसे ही सीट दी जाती है, लेकिन हाँ मतलब हम सीट दिला देते हैं, ठीक है, आप भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया सीट दिलाते 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 दिलाते, ठीक है। वैसे अगर अपन बात करें तो पहले तो बहुत ईजी था यार, 0-0 मार्क्स पे भी मिल जाता था, पता नहीं आजकल ऐसा क्या आ गया इसके अंदर कि इतनी इतनी हाई ज्यादा ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये सारा का सारा सीन यही है कि सारों बच्चों ने सारी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर दिया, पहले एक बच्चा सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों में ही अप्लाई करता था, और अगर किसी को ज्यादा करना होता था तो उसको 800 रुपये फिर से एक्स्ट्रा देना होता था, तो कोई भी बच्चा 800 एक्स्ट्रा देता नहीं था, सिर्फ 800 का ही भरता था फॉर्म, वरना फिर 1600 का भरना पड़ता था अगर तुमको 6 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना हो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक फॉर्म की वजह से ही बच्चों ने सभी में अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, तो ये सारा इश्यू चल रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एंड मोमेंट तक लड़ना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।